ये मॉड एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स साइन एन स्क्वायर डी एक्स, ठीक हो गया। तो साइन एन की वैल्यू हमें पता है, याद मैंने कहा था रहनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन एन पाई एक्स ओवर एल, वेयर एल इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स। और ई की एनर्जी क्या आती थी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, आइगन वैल्यू जिसे हम कहते थे n² h² / 8 ml² बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई, इस पे बेस्ड फॉर्मूले पे हमने कल न्यूमेरिकल्स भी करे थे। तो हमने कहा था नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछता है, तब m भी हमें पता है, हमें h पता है, और अगर स्टेट ना दे तो n को हम वन रखते हैं, अदरवाइज जो हमें देगा कि ग्राउंड स्टेट की निकालो फर्स्ट स्टेट में, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग n की वैल्यूज रख के e को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ये फार्मूला यूज करना है, फंक्शन इनटू द वेरिएबल दैट इज एक्स इनटू साइन एन का स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स में इस तरीके के बहुत सारे इंटीग्रल्स आप लोग 11th और 12th में सॉल्व करके आए हो 10+2 में, तो ये अधिकतरों को आता है। अब देखो इसके बाद क्या रहा हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सिंस देयर वाज इट्स साइन स्क्वायर थीटा, सो वी हैव कन्वर्टेड दिस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस 2 थीटा। सो वी नो दिस इज द स्टेप वी डू व्हेन वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टर्म्स और साइन स्क्वायर टर्म्स, ओके। सो इन नेक्स्ट टर्म दिस एक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड टर्म एंड वी विल हैव टू सेपरेट टर्म्स फाइनली, हियर इट इज दिस एक्स प्लस एक्स कॉस 2n πx/L। सो हेयर द फर्स्ट टर्म इज वेरी इजी टू सॉल्व, ओनली एक्स इज देयर एज अ वेरिएबल, बट इन सेकेंड टर्म वी हैव टू वेरिएबल्स इन मल्टीप्लीकेशन एक्स एंड इट्स कॉस 2n πx/L। सो पर्टिकुलरली फॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन टू वेरिएबल्स आर इन मल्टीपल इन प्रोडक्ट फॉर्म देन वी विल यूज दिस फार्मूला। अरे फार्मूला क्या है, fx gx dx इक्वल्स टू fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो तुम लोग को एक चीज़ यहाँ से क्लियर पता चल रही होगी कि हाउ मच मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ डेरिवेशंस। एक मिनट बच्चा होल्ड करना। ओके बच्चों, आ रही आवाज, यस स्क्रीन शेयर हो गई? सर, यस ये तुम्हें समझ में आया जो अभी तक हमने डेरिवेशन, ये मतलब जो ये क्वेश्चन था ये किया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू का? देखो पूरा का पूरा क्या है इसमें, इंटीग्रेशन तुम्हें सॉल्व करना है ना, तो इंटीग्रेशन आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो हमें पता है, तो बाकी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितने एफिशिएंटली या कितने अच्छे तरीके से तुम इसको कर पाते हो, है ना। जिसको कन्फ्यूजन है या वो भूल गया तो उसके लिए दोबारा से चांस है कि यहाँ से रिवाइज कर ले, है ना, देख ले किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। तो आसान है इस लेवल, ये तो काफ़ी इजी लेवल का इंटीग्रेशन है, इससे बहुत टिपिकल इंटीग्रेशन तुम लोग करके आए हुए। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिस पर हमने क्या निकालना था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू टू फाइंड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड इट कम्स टू बी L/2। और हमने देखा था फर्स्ट स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट के लिए हमने जब फंक्शन कल ड्रॉ करवाया था तुमसे, अगर हम पीछे की स्लाइड्स में जाएं, इधर अगर इसमें नहीं आओ, है ना,
तो कल इस तरीके के फंक्शंस थे, मैं दोबारा से तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ उसे। हाँ कुछ इस तरीके के फंक्शन ड्रॉ कर रहे थे, है ना। अभी देखते हैं, इस तरीके से था, पहली स्टेट N1, फिर 2, फिर 3, इसमें क्या था, इस तरीके से फंक्शन था, फिर इस तरीके से फंक्शन था, फिर इस तरीके से फंक्शन था, है ना। तो फर्स्ट वाले में हमने कहा था कि हमें क्या मिलती है, एक ही प्रोबेबिलिटी यानी इस तरीके की। दूसरे वाले पे मैक्सिमम होने की दो प्रोबेबिलिटीज होती थी, याद आया कुछ। यस हाँ बच्चों, तीसरे में इस तरीके से सर, था। यस इसका तो फर्स्ट जब स्टेट थी तो पार्टिकल के, देखो यहाँ से भी क्लियर हो रहा था, L/2 में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, यानी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो L/2 पे। जबकि सेकेंड स्टेट में L/4 और 3L/4 में इसी तरीके से चेंज होते चले गए। तो हमें न्यूमेरिकल से भी ये वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट करके मिली, ठीक हो गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा हुआ है। अब कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन वन एंगस्ट्रॉम पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ 25 एंगस्ट्रॉम। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विद इन एन इंटरवल ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम एट द सेंटर ऑफ बॉक्स व्हेन इट इज इन स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी का मतलब क्या है, जब एनर्जी क्या हो, सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एन कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन N/(x/L). उसके बाद क्या हमारे पास, फॉर द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट N=1 हमें पता है, तो Psi=√2/L sin π/(x/L), क्योंकि एन को कितना रख दिया हमने यहाँ पर, 1 रख दिया, ठीक है। अब एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द बॉक्स क्या होगा, L/2। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट द सेंटर, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का हमें पता है, ये साइन मॉड साइन एन स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट जब मॉड साइन एन का स्क्वायर करा तो ये कितना आया, 2/L हो गया, साइन स्क्वायर N/(x/L). और सिंस एक्स को हम कितना रख रहे हैं, L/2, एक्स को कितना रख रहे हैं, L/2, तो यहाँ से हमें √2/L साइन स्क्वायर π/2 = 2/L, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन इंटरवल, अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो मॉड साइन स्क्वायर थी किसमें, जब आपका पूरा का पूरा बॉक्स कितना था, ये ट्रैप्ड था, है ना, 0 से लेके L तक का बॉक्स था। अब कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर रीजन पे, पर्टिकुलर रीजन क्या है आपका, +-5 एंगस्ट्रॉम, यानी Δx, यानी जो Δx है जो चेंज होगा इसकी पोजीशन में 5 एंगस्ट्रॉम का होगा, है ना, या तो इधर 5 एंगस्ट्रॉम में या इधर। इसने ये बोला था ना क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी, यानी सेंटर ऑफ द स्टेट में, और किस इंटरवल पे, 5 एंगस्ट्रॉम के इंटरवल पे। तो 5 एंगस्ट्रॉम का इंटरवल क्या रहा तुम्हारा, इट्स टोटल प्रोबेबिलिटी इनटू द टाइम इंटरवल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हमने निकाल ली, इट्स √2/L, और इधर क्या बचा आपका, Δx, और Δx की वैल्यू कितनी है, 25 एंगस्ट्रॉम। तो इट विल बी Δx=5 एंगस्ट्रॉम × 10^-10 मीटर। सो पी हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, इट्स 0.4, यानी आपका अगर पार्टिकल इस 25 एंगस्ट्रॉम के बॉक्स में रखा हुआ है और हमसे कह रहा है कि +-5 के इंटरवल पे से निकालो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है होने की, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस इंटरवल इज 0.4। इसके लिए दोबारा से ध्यान से देखना, हम लोगों ने क्या किया, पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाला, वो क्या होता है, मॉड साइन स्क्वायर, √2/L साइन स्क्वायर π/(x/A) = 2/L साइन स्क्वायर π/L/2, साइन π/2 हुआ जो 1 हो जाएगा आपका, तो 2/L बचा, और हमें एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया, तो हम प्रोबेबिलिटी को उस रीजन से क्या कर देंगे,
डेल्टा एक्स जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी उसके प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, अब नेक्स्ट वाले पे हमने लिमिट लगा के सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा हमें ज़्यादा उसमें मेहनत करनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, जो जो अभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन चल रहा है लेंथी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ट्रैप्ड इन लेंथ एल इन रीजन 0.45L टू 0.55L। ठीक है, इतनी के ये डायमेंशन में आपका ये ट्रैप्ड है, पार्टिकल क्या है ट्रैप्ड है। तो कह रहा है कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले अगेन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए तुम्हें वेव फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सब लोग इसे बिल्कुल याद कर लें कि साइन कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन L साइन एन पाई एक्स ओवर L। अब इसके बाद क्या है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए एन कितना रखेंगे, 1। ठीक है बच्चों, ग्राउंड स्टेट के लिए एन कितना होगा, 1। तो अब देखते हैं क्या बन रहा है इसके आगे। तो साई प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बिटवीन x1 एंड x2 फॉर nth स्टेट इज गिवन बाय। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, अगर हमें लिमिट दे दी है कहाँ से कहाँ हमने लेना है ना, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 साइन स्क्वायर dx, ये हमें पता है। ठीक है बच्चों, याद है फॉर्मूला, आ रही है आवाज? ठीक है, अब कह रहा है कि किस लिमिट में निकालो, 0.45 से 0.55L के बीच में। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया, अब यहाँ से क्या निकलेगा, 0.45 टू 0.55, और ये निकला साइन पाई एक्स ओवर एल पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ हमने किसके लिए लिया, फॉर एन इक्वल्स टू 1। अब मुझे इसके इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई क्या कर रहा है अभी आगे, ये पहले रख रहा है इनकी वैल्यू, बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल इसने इनकी वैल्यू नहीं रखी, तो ये पहले सॉल्व कर रहा है इस इंटीग्रल को। सो लिमिट हमने x1 से x2 ली, 2/L साइन स्क्वायर एन पाई एक्स। अगेन देखो ये इंटीग्रेशन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, पहले भी मैंने कहा था साइन स्क्वायर एन पाई एक्स, ये बिल्कुल ध्यान से तुम लोगों ने जो भी है प्रैक्टिस करनी है तो आसान तुम्हें समझ आ जाएगा। अब जब 4-5 बार सेम एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो x1 टू x2 1/2 1 cos 2nπx ओवर l। अब अगेन 1 cos 2nπx ओवर l हो गया, तो कोई इतनी अब हमें दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू में दो फंक्शन हुआ करते थे, यहाँ पर अब दो फंक्शन नहीं है, केवल एक सिंगल फंक्शन से हमारा काम चल रहा है ना। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में x आता था ना मल्टीप्लाई में, तो सेकंड टर्म में दो वेरिएबल्स हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा x मल्टीप्लाई में नहीं है, क्योंकि हमें खाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस बार एक्सपेक्टेशन फंक्शन नहीं पूछा, तो सिंपल इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब x1 से x2 हमने लिमिट लगाई, और 1 cos 2nπx, ठीक हो गया। अभी क्या है, पी इक्वल्स टू 1/L x-L/2nπ sin 2nπx ओवर एल। सबको पता नहीं इंटीग्रेशन कैसे होता है, या ये यस सर, बताने पड़ेंगे भैया, सबको आते होंगे। ठीक है, इसीलिए देखो 11th 12th में इतने डिटेल में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि हायर क्लासेस में जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम कहीं ना आए। इस तरह इंटीग्रेशन हमें आते हैं पहले से, कुछ नए तरीके के मैथमेटिक्स आई थी जिसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन था, वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन ये इंटीग्रेशन वाली टर्म्स तुम लोग पढ़े हुए, तो इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं आएगी। ठीक हो गया, अब कुछ नहीं करा हमने पहले, अब ये जनरल आ गया, ये किसी भी स्टेट के लिए जनरलाइज्ड प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला आ गया। अब मैं वैल्यूज रख के किसी भी स्टेट में और किसी भी लिमिट में वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अब x1 x2 कुछ भी मुझे दे दिया जाए और n मुझे कुछ भी दे दिया जाए, अब मैं इस फॉर्मूले से उस फाइनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ उस पर्टिकुलर कंडीशन
कंडीशंस के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्स वन इक्वल्स टू 0.45 L, एक्स टू इक्वल्स टू 0.55 L पर ग्राउंड स्टेट एन इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ रख दी। अब फिर से वही बात, कैलकुलेशंस किसके कितने बढ़िया हैं, कितनी इजीली कर सकता है या कितनी फास्ट कर सकता है, कितने एफिशिएंटली कर सकता है, सारा उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। अभी 0.55 L रख दिया हमने इधर, अपर लिमिट रखना है पहले। एल अपॉन 2π sin 1.10π 0.45 L, एल अपॉन 2π sin 0.90π। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं साइन की 198, साइन 162 है ना, तो इसके लिए आपको या तो बहुत एफिशिएंटली वैल्यूज पता हो कि साइन 18 की क्या होती है, कॉस 18 की, लेकिन इतने हमने प्रॉब्लम लेनी क्यों जब हमारे पास कैलकुलेटर है। तो इसलिए कैलकुलेटर होगा तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा, कैलकुलेटर नहीं होगा तो फिर ये आंसर निकलना बड़ा मुश्किल है। तुम लोगों ने निकाली होगी ना ट्रिग्नोमेट्री में साइन 18 की वैल्यू भी, कॉस 18 की वैल्यू निकाली है, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेस होता हो, ठीक है, यस सर। या तो फिर वो वैल्यूज हमें बिल्कुल याद हो, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना सारा अब हमारे पास मटेरियल है कि इस तरीके की टिपिकल वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते। तो इसलिए बड़ा आसान कर दिया गया कि आप लोग कैलकुलेटर यूज करो, और कैलकुलेटर यूज करके साइन 198 या साइन 162 की वैल्यू निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर कैलकुलेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान। तो एक बार सब लोग इस इंटीग्रल को जो आया है सॉल्व करके बताओ मुझे, कॉपी नहीं देखोगे पीडीएफ वगैरह, ठीक है पीडीएफ में है, लेकिन अपने आप सॉल्व करके मुझे बताओ किसके क्या आंसर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गलत आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम पता लग जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो एक बार मुझे सब लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है, ठीक है बच्चों। जो भी तुम्हारा आंसर आए उसे चैट बॉक्स में लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत आए सही इट डजेंट मैटर, हमें ये पता लग जाएगा कि हम चीज़ों को सही कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो एक बार करो और मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। जिसका आ जाए मुझे बता देना है वो, ठीक है। सर 0.1955 0.1955, चलो लिख लेता हूँ मैं। जब पी आया एन इक्वल्स टू वन के लिए 0. क्या बोला बेटे, 1955, ठीक 55। और बताओ भाई कोई। सर 0.1 सर 0.043 सर 0.043 भी आया भाई किसी का। 0.1966 कितना बेटे,
0.1918। ये करना अभी कुछ और वैल्यू बोली थी 0.1918, और किसी की इससे अलग वैल्यू आ रही हो 0.2012, 2012। 0.2012। चलो इसका मतलब 0.19 के आसपास ज़्यादा आ रही है, ठीक है 0.19 या 0.20। तो देखते हैं भाई क्या आंसर है इसका। हाँ बेटे बताओ। 0.1984। 0.1984, इसका मतलब 0.19 के आसपास सब की आ रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट। गुड, तो 0.1984, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आया 0.1984 और 19.84%। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग ये कैलकुलेटर से कराओगा ना। यस हाँ, बिना कैलकुलेटर से बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यस कैलकुलेटर से सर, बड़ा आसान हो गया, आंसर भी एग्जैक्ट आ गया भाई। जिसके गड़बड़ आ रहा है आंसर, वो लोग चेक कर लेना बेटे, कुछ गड़बड़ करिए इसका मतलब है ना। अब किसके लिए निकालो, एन इक्वस टू टू के लिए निकाल के दिखाओ मुझे। अब एन इक्वस टू टू के लिए क्या करोगे, बस लिमिट तो यही रखनी है ना। अब एन इक्वस टू क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। इसका तो जो एंगल थे ये भी क्या हो जाएंगे, अब डबल हो जाएंगे। तो एक बार करो और मुझे बताओ एन इक्वस टू के लिए क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, सब डबल हो जाएगा ना, ये वैल्यूज टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 198 था तो टू टाइम्स कर दो, 162 था तो टू टाइम्स कर दो। अब बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों का सही आया ना पहले वाला एन इक्वल टू वन के लिए, इसका मतलब कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। नेक्स्ट के लिए भी एक बार करो। और मुझे आंसर बताना जिसका भी आ जाएगा, ठीक है। आया बच्चों किसी का? -0.0748। माइनस प्रोबेबिलिटी तो माइनस नहीं आएगी बेटे, प्लस आनी चाहिए। कितनी बोला, 0.0748। 0.0748। चलो और कोई बताओ मुझे। माइनस आ रही है तो फिर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा हमें। चलो देखते हैं अभी।
सर -0.0873। फिर माइनस मारा, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, 0.087 3। थ्री चलो बेटे, और किसी का कोई आंसर इसके अलावा? बाकी लोग चैट बॉक्स में डालो अगर हो गया है, माइक्रोफोन अगर ऑन नहीं है। चलो बच्चों, आप देखते हैं ना क्या आंसर है, काफी टाइम हो गया। तो ये तो भैया कुछ अलग ही आंसर आ रहा है, 0.065%। सर मेरा आ रहा है 0.0067। ठीक है, 0.0067। यस सर, सर परसेंटेज में नहीं वैसे। हाँ ठीक है, 67% के करीब आसपास है यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। 0.67% इतना आ रहा है, तो ठीक है, 65 के आसपास है। ठीक है, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, देखो इतना आना चाहिए, है ना। अपने आप कैलकुलेटर निकाल के न्यूमेरिकल्स को करो, क्योंकि सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल यही थे इस यूनिट के, है ना। अब हम जाएंगे इसके बाद काउंटर इफेक्ट्स के न्यूमेरिकल की तरफ, आसान न्यूमेरिकल होंगे अगेन। सर कैलकुलेटर लेक्चर 6 के भी रहते हैं न्यूमेरिकल। लेक्चर 6 कौन सा था? चलो लेक्चर 6 के भी देखते हैं अभी। लेक्चर 6 ऑन करूंगा मैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नो सर, स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के। अच्छा, उसके उसके न्यूमेरिकल नहीं है बेटे, उसके न्यूमेरिकल यही मान के चलो यही आए जो पार्टिकल इन डायमेंशनल बॉक्स में है ना, उसके डायरेक्ट ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, सर उसमें पीपीटी में दिए हुए थे 3 पीपीटी न्यूमेरिकल। में है तो उसे करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार तुम जो कह रही हो, लेट अस सी, लेक्चर नंबर 6 ना। चलो यस लेक्चर सर, नंबर 6 को खोलता है। लेक्चर नंबर 6 में तो यही है, ये तो कौन सा क्वेश्चन है, ये तो उसका क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा बताओ, क्वेश्चन पढ़ो मुझे यार, क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग और मुझे बताओ किस चीज का क्वेश्चन है। 1 मिनट बच्चों, बताओ किस चीज, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, कह रहा ना एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी है 25, यानी लैम्डा एम क्या है, 20,000 एंगस्ट्रॉम, और टी क्या करस्पॉन्डिंग 1500 केल्विन, और लैम्डा M1 था, लैम्डा M2 कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम, और हमें क्या कह रहा है कि टी निकालो बस। तो T1 और T2 हमें नहीं पता, तो हमें फॉर्मूला पता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा एम टी इक्वल्स टू सर ये कॉन्स्टेंट, वाले नहीं सर, तो कौन सा ये है तो लेक्चर 6 के नहीं है। लेक्चर 6 के लेक्चर 6 सर में, तो जो यही डॉक्टर न्यूमेरिकल। राउल, सर ये 7 के हैं। सर ये 7 के हैं। अच्छा ठीक, चलो देखते हैं लेक्चर 6 में, इस पे तो लेक्चर 6 ही लिखा हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं, लेक्चर 7 को खोल के देख लेते हैं उसमें क्या है न्यूमेरिकल। सर उसके पार्टिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन, पहला ही ये तो पार्टिकल पार्टिकल इसका इन लिखा आंसर है। बॉक्स है ना,
इसमें भी क्वेश्चन यही दिया हुआ है, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। लेक्चर 7 में भी यही क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, क्योंकि श्रोडिंगर वाले जो क्वेश्चन है ना बेटे, वो इसी में आ जाएंगे। चलो एक बार और देख लेते हैं, कोई दूसरे को लेक्चर 5 को चेक कर लेते हैं। लेक्चर 4 में तो नहीं होगा, लेक्चर 4 में तो हम कर चुके हैं डी ब्रोगली वाले क्वेश्चंस, है ना। लेक्चर 5 में चेक करें, श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें। ठीक, तो जो न्यूमेरिकल है वो खैर मुझे पता है ना, ये न्यूमेरिकल यही है बेटे, है ना। श्रोडिंगर वाले इक्वेशन न्यूमेरिकल यही है। आगे तो मुझे शेयर करके बताओ कहाँ पर है, तो मैं उससे देखूँ, है ना, फिर हम उसको करेंगे। तो अब जो न्यूमेरिकल सर आएंगे, लास्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल हमारे रह रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें मेनली न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हारे श्रोडिंगर इक्वेशन पे, वो डी एक तो प्लैंक वाला जो फॉर्मूला है, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला में एक दो तीन न्यूमेरिकल आता है प्लैंक ऑसिलेटर से रिलेटेड। वीन्स फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने अभी देखे, है ना। फिर डी ब्रोगली पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद श्रोडिंजर इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है मैं अपनी पार्टिकल स्क्रीन में। शेयर करके दिखाऊं हाँ बेटे, रुको, करो शेयर करके बताओ। वो वाले सर, वो वाले नोट्स दूसरे वाले सर ने भेजे थे डॉक्टर राहुल ने। अच्छा चलो मुझे दिखाओ कौन से नोट्स हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है उनमें तो नहीं है। सर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टॉप करो। अच्छा मैं स्टॉप करूं, ठीक है। चलो अब करो प्रेजेंट। हाँ बेटे, कर रही हो प्रेजेंट। हाँ सर उसका नहीं हो रहा तो मैं करूं। करो, तू कर ले बेटे। ये सर ने तुम्हें स्ट्रीमलाइन में भेजा हुआ है। यस सर। अच्छा, ये भी सेम क्वेश्चन है बेटे, तो उसी के हैं। चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन पे होगा ना। चलो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे उसमें स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है, मेरे उसमें स्क्रीन सही आएगी, है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी मैं ओपन करता हूँ उसे। हाँ, बैच 17। लेक्चर नंबर 6। स्क्रीन एक बेटा, बेटे मैं देख रहा हूँ मेरे उसमें क्वेश्चन है या नहीं है। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। ये तो आसान से हैं, ये तो तुम लोग कर लोगे, अभी जो हमने बताया उसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। बाकी किसने करी है शेयर? हाँ आ गई बेटे, ठीक है, दिख रही है मुझे स्क्रीन जो है। चलो थोड़ा ये स्क्रीन इतनी बढ़िया नहीं आ पा रही, मैं अपनी स्क्रीन वो करता हूँ, ठीक है, शेयर। आ गई मेरी स्क्रीन, यही था ना क्वेश्चन, ये जो कह रहे हो तुम, है ना। यस सर हाँ, तो देखो इसमें
ये आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अ पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस हैज अ वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू एक्स बिटवीन साई इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू 0.1 एंड साई इक्वल्स टू जीरो एल्सवेयर, यानी लिमिट दे दी 0 से 0.1 के बीच में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल कैन फाउंड बिटवीन एक्स इक्वल्स टू 0.35 एंड एक्स इक्वल्स टू 0.45, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिस एक्स। एक चीज बेटा इसमें करेक्ट करोगे, ये 0.1 नहीं होगा, ठीक है, इसको 1 करोगे, ठीक, समझ में आया? 0.1 क्यों नहीं हो सकता? लिमिट देखो, तो लिमिट क्या दी हुई है, 0.35, 0.45, मैं कह रहा हूँ कि बॉक्स की लिमिट क्या है, 0 से 0.1 है, और उसने बोल दिया एल्सवेयर क्या है, 0 है ना, इसके अलावा कोई भी लिमिट है, जबकि जो 0.45 है वो तो इधर पड़ेगा, 0.35 और 0.45, आया समझ में? यस सर, ऐसे 1 कर लोगे, एक्स इक्वल टू 0.1 की जगह 1 कर लोगे, बाकी तो सेम रहा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लिए। ये देखो इधर है ना, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0.35 टू 0.45। अब आसान इसलिए हो गया क्योंकि अब साई की वैल्यू क्या है, बड़ी इजी सी है, ए एक्स है, तो अब तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन है। पहले तो टिपिकल सी वैल्यू थी साइन के टर्म्स में, अब ए स्क्वायर 0.35 टू 0.45 एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट हमें दे दी, हमने निकाल दिया। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हमने क्या करा था, इस फंक्शन को एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, ये चीज हमने करी इधर। अब एक्स इक्वल टू दिस मच आया, ये समझ में आया ऊपर वाली जो करी थी इक्वेशन? हाँ बच्चों, ये क्या वही फॉर्मूला है जो हमने यस पढ़ा है, और इस बार तो फंक्शन और भी आसान हो गया। पहले तो साई एन बड़ा टिपिकल सा फंक्शन था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन L, है ना, साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ये तब था जब हमें पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स बोला था, है ना। अगर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ना बोले और जनरलाइज्ड वो बोल दे कि वेव फंक्शन ये है आपका जो गिवन है, जैसे इसमें गिवन है वेव फंक्शन, है ना, साई इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है, ये देखो इसमें ऑलरेडी गिवन है। अगर ये नहीं गिवन होता, कहता पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो हम फिर हमें ये वाली वैल्यू लेनी पड़ती 2 अपॉन L साइन एन पाई एक्स ओवर L। तो इस बार हमारा क्वेश्चन इसने बहुत ही आसान कर दिया, हमें फॉर्मूला पता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स, साइन एन का स्क्वायर डी एक्स हमने लगाया, बहुत आसानी से हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया क्योंकि और बहुत सिंपल सा इंटीग्रल था, और हमें ये आंसर मिल गया P इक्वल टू 0.0161 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमें पता था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है, डेल आपका यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दैट इज द लिमिट, एक्स मल्टीप्लाई में आ जाता है आप किसके साथ, साइन एन के साथ। जब प्रोबेबिलिटी पूछे तो खाली साइन एन का स्क्वायर आ जाएगा, जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालोगे। तो इस बार भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी क्योंकि सिंगल वेरिएबल है हमारे पास और एक ही टर्म है, तो साई ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, एक्स क्यूब, और ये आंसर हमें मिल गया। सर, लिमिट 0.35 से 0.45 नहीं लेंगे? किसमें? 0 से 1 ली एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह रहा है बेटे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कंप्लीट लिमिट्स में आती है, ठीक है, ओके सर। क्योंकि डायमेंशंस दी होती हैं, यानी जो मैक्सिमम 0 से 0 पॉइंट ये 1 तक की है ना, इसके बीच में क्या, कहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैक्सिमम है होने की, ये तो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी कि इस लिमिट में कितनी है। अब ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ ले तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में होल लिमिट आ जाती है, जितनी विड्थ में पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए। प्रोबेबिलिटी के लिए तो इसने हमें ये पूछ लिया कि इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो कह देता कि इधर प्रोबेबिलिटी क्या है 0 से 1 में, फिर क्या होता, 1 ही तो होती ना, पार्टिकल तो 0 से 1 के सर, बीच में ही है तो 1 है। अब वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पर हो सकती है, तो हम कंप्लीट लिमिट लेते हैं उसमें 0 टू 1, आया समझ में? तो जब भी आपका सर एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी तो उसमें होल रेंज आपको लेनी पड़ेगी 0 से लेके 1 तक, समझ में आया?
और प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा है, क्योंकि होल लिमिट में प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 आनी है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वो क्या देगा, हमें लिमिट डिफाइन कर देगा कि 0.4 से लेके 0.8 तक निकालो, 0.3 से लेके 0.6 तक निकालो, है ना। जबकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमें खुद से ये मानना पड़ेगा कि पूरी रेंज में हमें ये देखना है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पर आने वाली है पार्टिकल के होने की। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें क्या है। ये तो डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तुम लोग इसे कर लोगे। कल हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था भाई, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। कल करा था हमने एक, जिसमें हमने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, है ना। उसी तरह का ये न्यूमेरिकल है, इसको तुम लोग अपने आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकल, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें भी उसी तरीके से हमने कुछ चीज कॉमनली वही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, देखो बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन है जो हमने पहले वाले पे किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या किया है? E इज इक्वल टू ई के प्लस एम नो सी। इक्वल्स टू, देखो कुछ सेकंड लाइन वैल्यू में सेकंड लाइन कहाँ गया, ये वाला कह रहे हो कहाँ पर, सर ई इसमें इक्वल टू ई के। यस ये ना, ये क्या है टोटल एनर्जी। मैंने क्या बोला था, ई क्या होती है, टोटल एनर्जी है। ई के किसको बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और एम नॉट सी स्क्वायर क्या, रेस्ट मास एनर्जी। नॉर्मल क्लासिकल में हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटिविटी में वो आता है आपका रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका रेस्ट एनर्जी। अब रिलेटिविस्टिक हमने कल पढ़ी थी, एम माइनस क्या होता है, एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, और का आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी है, वो होती है एम नॉट सी स्क्वायर। इसलिए एम नॉट सी स्क्वायर से एक एम नॉट सी स्क्वायर चला जाएगा, तो ई इक्वल्स टू कितना आ गया, एम सी स्क्वायर। इसलिए हमने कल जब क्वांटम इफेक्ट किया था तो हमने कहा था जब पार्टिकल मूव करने लगता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर होती है ना। और जब वो स्टेशनरी था तब उसकी एनर्जी कितनी थी, रेस्ट एनर्जी, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर। तो जब भी पार्टिकल मूव करे तो टोटल एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर। और एम क्या होता है, इसका रिलेटिविस्टिक मास होता है बेटे, या रेस्ट मास नहीं होता, रेस्ट मास के लिए हम एम नॉट यूज करते हैं। तो अभी थोड़ा तुम्हें टिपिकल लगेगा ये चीजें जो है ना, अभी फिलहाल तुम्हें याद रख के ना करना डराई। अब जब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे से, हम करेंगे वो रिलेटिविटी हमने करना है, तब तुम्हें क्लियरली पता लग जाएगा ये टर्म कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो बस टर्म्स को हमने सॉल्व करना है, कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल होंगी, कुछ कॉमन आएंगी, और हमें फाइनली आंसर मिलेगा। वैसे करोगे जब समझ में नहीं आएगा तो हम फिर अपने आज के लेक्चर में से फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके सर। एक और क्वेश्चन इसमें दे रहा है, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से क्या है, ऑप्टेन बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ वेव पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था ये। अब क्या देखो, अब जब हम नॉर्मली बात करते हैं बोर्स मॉडल की, तो एक हमारे पास क्या, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन लिया था, इसने किस तरीके से लिया था, इसने लिया था इस इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल फॉर्म में, ठीक, एन इक्वल्स टू 1 है, यानी के फिर एल, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अब जब पार्टिकल, जब इसका मैटर वेव यानी पार्टिकल का वेव नेचर की बात आई, तो अभी बोला कि अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, इस पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से। अगर ये वेव नेचर में है तो जब भी ये जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट से आते हुए इसकी कंप्लीट वेवलेंथ होनी चाहिए भाई, नहीं तो ये आपका वायलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से चला तो ये एक वेव कंप्लीट हुई, फिर यहाँ से चला दूसरी वेव कंप्लीट हुई, अब यहाँ से चलेगा
तो ये तीसरी वेव कंप्लीट करेगा। समझ में आया? हाँ बच्चों, समझ यस में आ रहा है? तो कितनी वेव्स आ गई? एन इक्वल्स टू 3 वेव्स आ गई, है ना। इसी तरीके से इससे अगली ऑर्बिट में होगा, तब भी इसी तरीके का होगा, तब नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे। इस तरीके से गया, फिर 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 इस तरीके से पूरा इसने कर लिया कंप्लीट। और कहीं भी इस तरीके से नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें 2πr इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, एन लैम्डा। क्या बनेगा? 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा। और अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी क्या होता है, 2πr इक्वल्स टू या mvr इक्वल्स टू क्या होता है, एन एच अपॉन एनएच 2π, है ना। यही चीज तो है। अब यहाँ से हम वैल्यूज रख सकते हैं। सपोज मैं 2π की वैल्यू रखूँ या किसी की वैल्यू रखूँ, तो हमें एक रिलेशन मिलने वाला है। तो यहाँ मैं सपोज n की वैल्यू रख दूँ, n इक्वल्स टू कितना रख दूँ, 2π अपॉन लैम्डा, है ना। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 2πr अपॉन लैम्डा आएगी। तो इस इक्वेशन में जब मैंने क्या रखा, n की जगह 2πr, है ना, अपॉन लैम्डा इंटू एच अपॉन कितना हो गया, 2π। और ये किसके इक्वल्स था, एम वी आर के इक्वल। तो r से r कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या बना, एम वी। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या बन गया, एच अपॉन एम वी। ये किसकी हाइपोथेसिस थी, किसका फॉर्मूला है, ये एच अपॉन पी डी ब्रॉगली का, है ना। हाँ समझ में आया। इसका मतलब जो बात करते हैं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब वो वैलिड चीज है। क्योंकि जो वेव होगी, जो भी देखो, जो भी सर्कल होगा आपका, जो भी जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, है ना, इस तरीके से ऑर्बिट है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस ऑर्बिट में कंप्लीट वेवलेंथ पूरी करेगा हर बार। क्योंकि 2πr जो इसका रेडियस होगा, यानी सर्कमफेरेंस है जो चल रहा होगा, ये एन लैम्डा होगा, एन का मल्टीपल होगा हमेशा। तो इस तरीके से चलेगा, एक वेव पूरी करी, फिर दूसरी वेव पूरी करी, फिर तीसरी वेव पूरी करी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधी वेव पूरी कर रहा है ना। मैंने कहा कि ये प्लस वो था और इसके बाहर से ये इसकी ऑर्बिट है। अभी इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से गया, फिर ऐसे आ गया, ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि ये तो इसने यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ पूरी हुई, फिर इधर से इधर तक एक वेवलेंथ हुई, और यहाँ से यहाँ तक आधी हो गई, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब पूरा इस तरीके से होना चाहिए था। तो क्या होगा, हमेशा एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो भी 2πr होगा वो क्या होगा, एन लैम्डा इक्वल होगा, यानी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसको, सरकमफेरेंस को। क्योंकि ये वेव दिखा रहा है, और पूरी वेव मतलब इसका मतलब पार्टिकल कम्प्लीटली पहुंच चुका है। आधी वेव का मतलब आधा पार्टिकल पहुंचा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए वेव क्या होनी चाहिए, कंप्लीट वेवलेंथ उसको करनी चाहिए फॉर एनी ऑर्बिट और एनी सरकमफेरेंस, ठीक है। तो जनरलाइज ये क्या होता है, एन। और बहुत आसान हो गया, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से दोबारा से देखो, अकॉर्डिंग टू अगर हम डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस मानते हैं, तो 2πr किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, कंप्लीट वेवलेंथ। और इस ऑर्बिट के लिए अगर हम बोर्स मॉडल को यूज करते हैं, तो बोर्स मॉडल कहता है कि जो एम वी आर है किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2π के इक्वल। अब यहाँ से हमने एन की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू कितनी थी, एन आया था लैम्डा अपॉन 2πr। लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी इसमें, तो एम वी आर इक्वल्स टू कितना हो गया, एच अपॉन नहीं 2πr अपॉन एच वन, लैम्डा एन इक्वल्स टू 2πr अपॉन लैम्डा, गलत कर दिया मैं। एन इक्वल्स टू क्या आया, 2πr अपॉन लैम्डा। तो कितना हो गया, 2πr अपॉन
लैम्डा इंटू एच अपॉन टू पाई, टू पाई से टू पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एम इक्वल्स टू कितना आ गया, एच अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसका मतलब हमें क्या मिल गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। इसका मतलब जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस थी, जब हमने उसे जो वैलिड बोर मॉडल के साथ में मिक्स किया, तो हमने देखा कि जो आंसर है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ देता है। इसका मतलब डी ब्रॉगली जो पार्ट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की हम बात करते थे इलेक्ट्रॉन की, वो ट्रू है। और इस तरीके से हम बोर्स मॉडल से क्या लेकर आ सकते हैं, तुम्हारा डी ब्रॉगली की कंडीशन, या इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि हम डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से बोर का मॉडल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इधर क्या चीज कही, यही बोलता रहा है ना, टू पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी एम वी, सो टू पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी हो गया, तो आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम वी, तो एल एन इक्वल टू कितना आ गया, एम वी आर दैट इज एन एच अपॉन टू पाई। इसने रिवर्स करा, इसने बोर्स मॉडल लेकर आया किससे, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से। तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बोर्स मॉडल में डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस रहती है, और आपका डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में बोर्स मॉडल हम लेकर आ सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों ही चीज ट्रू है। इसका मतलब क्वांटाइजेशन तो है ही है, पार्टिकल का वेव नेचर भी इसके साथ एग्जिस्ट करता है। समझ में आया बच्चों? हाँ भाई, हाँ समझ में आया तुम लोग के, ठीक है। हाँ अब इसके बाद इसमें मेरे ख्याल से अब क्विजेज हैं, तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। बहुत क्विज तो बहुत आसान रहता है, उनमें कुछ ऐसा नहीं है। तो देखो ये न्यूमेरिकल बहुत सारी और वैरायटीज हैं भाई न्यूमेरिकल्स की। मैं कुछ जो जो पीडीएफ में वो मैं तुम्हें करा दूंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ एक्स्ट्रा भी हम और कर लेंगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है, हम जाते हैं लेक्चर 10 में। लेक्चर 10 में अब हम करेंगे क्या, कॉम्प्टन इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। फॉर्मूला पहले हमें याद होना चाहिए, हम लोग लिख लेंगे इसे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दैट इज डेल्टा लैम्डा, और ये कितना होता है, एच अपॉन एम नॉट सी इंटू कॉस वन माइनस कॉस थीटा। याद आया फॉर्मूला, कल हमने करा था ना, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन अ कॉम्प्टन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.015 एंगस्ट्रॉम इज स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। हम मुझे करके दिखाओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया इसने। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यही होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। फटाफट से यहाँ से हमें क्या लेकर आना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड आपकी एक्सरे, तो लैम्डा डैश की वैल्यू हमें लेकर आनी है, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.15 एंगस्ट्रॉम, यानी डेल्टा लैम्डा हमें मिल जाए एच अपॉन एम नॉट सी दिस वैल्यू, तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। फटाफट से करो और मुझे आंसर बताओ 2 मिनट में, ठीक है। केवल कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना हमने। कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ बेटा, बाकी लोग जिनका माइक्रोफोन नहीं चल रहा होगा चैट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक। सर 0.027 एंगस्ट्रॉम। सर लैम्डा इज इक्वल टू 0.027 एंगस्ट्रॉम।
हाँ बच्चों, किसी का आंसर आया? चलो भाई, बहुत से लोगों ने 0.0274 एंगस्ट्रॉम लिखा, ठीक है, बाकी लोग भी करो भाई। हाँ अक्षित, आया आंसर? अक्षित आ रही मेरी आवाज? अक्षित, अक्षित गहलोत, अक्षत, अक्षय शर्मा कर सर कर रहा हूँ अभी। बेटे का। देखो भाई, दर्शक बन के नहीं बैठना, ठीक है, काम करना है। यस सर, आपका ट्राई आवाज कर नहीं आ रहा रही हूँ। अक्षत को, है ना? सभी लोग एक्टिव रहा करो भाई। सर 0.027। हाँ, 0.027। देखो, अधिकतर का ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब इस आंसर के सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आंसर देखते हैं तो 0.027 आ गया। अब तुमने यहाँ एक चीज देखी होगी, क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है। ये देखो वैल्यूज रखी है, 0 पॉइंट, देखो इधर 2H/m0c, H की वैल्यू रख दी, m0 और C की वैल्यू रख दी। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर ये वैल्यूज तो रख के दिखानी है, अगर बाय चांस कैलकुलेशन तुम्हें ज़्यादा टफ लग रहा है, वैल्यूज रख के डायरेक्ट इसका आंसर तुम्हें पता है कैलकुलेट के होके कितना आना चाहिए, 0.0242, ठीक है, कुछ इस तरह का इसका वैल्यूज थी, तो हमें याद रहे तो और भी आसान हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सबका हो चुका होगा जहां तक मैं सोच रहा हूँ, यस कुछ को अगर सर, टाइम चाहिए तो कर लो उसे, उसके बाद बाकी लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करो। एन एक्सरे फोटोन फाउंड टू हैव इट्स वेवलेंथ डबल्ड ऑन बीइंग स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द मटेरियल, फाइंड द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब किसकी बात कर रहा है? इंसिडेंट फोटोन की, यानी अब तुम्हें क्या निकालना है? लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, और इस बार तुम्हें थीटा दे दिया 90 डिग्री। चलो भाई, अब करो, कैसे करोगे ऐसे? अगेन वेरी इजी न्यूमेरिकल, आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। सर वेवलेंथ 0.024 एंगस्ट्रॉम, 0.024 0.024, क्या क्या इसकी यूनिट? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम।
ठीक है भाई, बाकी लोग भी बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। सर यही आ रहा है और ये आ रही है सबकी कितना? सर 8.28 एनर्जी कितनी है एनर्जी? 8.28 28। यूनिट क्या है? 2×10⁻¹⁴ -14 यानी जूल में होगा, है ना। जी। चलो देखते हैं। चलो भाई, जो वैल्यू है ठीक आई है लैम्डा की वैल्यू, वो क्या थी? लैम्डा इक्वल्स टू 0.0245 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि क्या कह रहा था, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। और डबल्ड हो जाती है कब? जब ये स्कैटर होता है। तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 लैम्डा। तो इसका मतलब इस बार लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कितना हो गया? ये लैम्डा ही आ गई वैल्यू, यानी डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा 0.0245 एंगस्ट्रॉम। यह हमें वेवलेंथ गिवन है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। क्या एनर्जी का फॉर्मूला होता है? NhC/λ। फिलहाल n एक फोटोन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया SC/λ। वैल्यू हमने रखी तो ये 8.106 × 10⁻¹⁴ जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी लोग भी करो इसको काम को। एक बार मैं देखना चाह रहा हूँ बच्चे कौन से भैया इरेगुलर रह रहे हैं या रेगुलरली वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्लासेस को। अर्चित कुमार है क्या? मुझे लग रहा है एबसेंट अर्चित कुमार है ना, ये गायब है। आशुतोष चौधरी गायब है। इसके बाद आयुषी शर्मा कहाँ है बेटे? आयुषी शर्मा, आयुषी शर्मा भी बेटा इरेगुलर रहती है काफी। हाँ यस आयुषी, हाँ बेटे, कैसे इतना मिसिंग चल रहा है ये? देखो इधर सर नेटवर्क नहीं आते सर नेटवर्क नहीं आते। कहाँ पर रहती है बेटा? उस जगह पे कोई वो तो होगा ना, कोई अभी आउट ऑफ टाउन है आउट ऑफ टाउन हो, वहाँ कोई ऐसा किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर का तो आता होगा ना, किसी कंपनी का सिग्नल या किसी के नहीं आते? सर बहुत स्लो आते हैं अच्छा, देखो बेटा ऐसा तो तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? कि मैं बहुत सारा देख रहा हूँ कई दिनों से, काफ़ी यस सर सारे मिसिंग चल रहे हैं तुम्हारे। देखो है, क्योंकि देखो हर क्विज के अपने ग्रेड्स हैं। आज तो न्यूमेरिकल इसलिए क्विज हमने नहीं दिए हैं, तो नॉर्मली रहता सुमित आया आज? सुमित कल एबसेंट था। सुमित है? सुमित तोमर ये आज भी एबसेंट है। यश चौधरी ये भी गायब है। तो कुछ तो ये रेगुलर गायब है। यश चौधरी है एक, दिवेश ये आज भी नहीं आया। चलो बच्चों, बाकी सबके आ गए आंसर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आप, इसके बाद जो हमारा चलेगा। अभी तरह के आंसर आ चुके हैं, सही आया। ठीक है, आंचल, नेहा, रिद्धि, परिधि, दीपांशी, है ना, सबने आंसर लिखे हैं। तो जरका का भी आ गया है ना, आयुष का भी है, दीपांशी, तो सभी के लगभग आंसर आ चुके हैं। तो इस कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है भाई। जो अभी तक तुमने कुछ क्वेश्चन पार्टिकल इन्वर्टेशनल बॉक्स के देखे, उन्हीं में थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन और टिपिकल मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वो भी टिपिकल इसके रिस्पेक्ट में कि ये क्वेश्चन आसान है, उतने टफ वो भी नहीं है, बहुत आसान से। तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट से, है ना। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है इसमें? कैलकुलेट द कॉम्पटन शिफ्ट ऑफ एक्सरेज ऑफ लैम्डा
One angstrom are scattered from a carbon block. The scattered radiation is viewed at 90 degree to the incident beam. बस बहुत ही आसान क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर मुझे सभी लोग बताओ। सर लैम्डा डैश ही तो फाइंड करना है ना इसमें। हाँ किसी का आया बेटा आंसर? सर लैम्डा डैश ही तो फाइंड करना है। एक मिनट क्वेश्चन देख लो मैं। हाँ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यूड एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट, ठीक है। क्वांटम शिफ्ट निकलना है, क्वांटम शिफ्ट क्या होती है? डेल्टा लैम्डा। क्या निकलना है? डेल्टा लैम्डा, ठीक है। 0.0242 ठीक है, ये रहा 0.0242 या 0.243। अब एक चीज हमने ध्यान दी होगी, इसने जो वन एंगस्ट्रॉम दिया उसका तो कोई यहाँ पर लेना देना ही नहीं था, है ना। यस सर। केवल 90 डिग्री से ही हमारा आंसर आ गया। उसका फायदा हमें कब होता? जब ये बोलता कि स्कैटर्ड फोटोन की रेडिए वो निकालो वेवलेंथ, तब तो हमारा काफी आसान हो जाता है ना। या कहता है इंसिडेंट की निकालो तब भी हमें फायदा मिलता, लेकिन इसने खाली डेल्टा लैम्डा बोला, तो इसका मतलब मेरा एक ही वेरिएबल से काम चल गया भाई। वो था क्या? थीटा 90 डिग्री। और आंसर मेरा बड़ी जल्दी मिल गया मुझे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और मैंने बोला कि ये वैल्यू तुम्हें 3 पॉइंट तक याद रखनी है, ठीक है, यानी 243 तक इसे जरूर लिखोगे, ठीक। चलो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट वन। ये थोड़ा भैया टिपिकल क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है, लिख लो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जब 11:30 का हमारा लेक्चर होगा तब मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आई। क्या कह रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। व्हेन एन एक्सरे ऑफ एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स अ टारगेट दे आर स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी जो इंसिडेंट है उसकी एनर्जी कितनी है? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड दे आर स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया इस क्वेश्चन को हमने करना है, तो तुम लोग एक बार कैलकुलेट करना है इसको, है ना। सभी लोग नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे तुम लोग बताओगे कितनी एनर्जी होगी रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो अभी, अदरवाइज हम फिर अपना जब नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी, है ना, उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। किसी का कोई डाउट है अभी तक के जो हमारे क्वेश्चंस में, या कोई भी क्वेरी किसी की हो? बाकी लोग अपना इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। कोई अगर अभी जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक। बाकी जिसके कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस मेरे से पूछो, या कोई डाउट है उस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो वो डिस्कस कर सकते हो।
चलो ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन नहीं है देन यू कैन लीव, है ना? फिर हम मिलते हैं अपना 11:30 वाले लेक्चर में, ठीक हो गया बच्चों? ओके थैंक यू सर, बेटा, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।